तो महाराज जी, पहले तो बहुत साधुवाद आपका इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए। एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूंगा। आपने कहा, आप अपनी बात को दोहराया कि मैं धर्म गुरु के तौर पर मंचों पर जुड़ता हूं, मुझे खुशी होती है। एक बड़ी चर्चा और विवाद का विषय है मांसाहार और शाकाहार। मांसाहार और शाकाहार को लेकर सबकी अलग अलग मत हैं। आप क्या ये मानते हैं कि क्या मांसाहार धर्म रक्षा और धर्म प्रचार के आड़े आ रहा है? नहीं, हमको एक बात बता दीजिए, जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं उनसे सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है कि मांस आहार करने वाले लोग अगर उन्हीं के मांस को आहार करने लगें जो आज मांस आहार कर रहे हैं तो उन्हें प्रसन्नता होगी या उनको दुख होगा? अब बताइए, आप बताइए, आपके हिसाब से सुखी होंगे वो दुखी होंगे? अगर मनुष्य का मांस खाया जाए तो वो दुखी होगा और वो खाने भी नहीं देगा क्योंकि वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। लेकिन उन पशुओं का मांस हम खा सकते हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते। तो मतलब जो जुल्म है, जो कष्ट है, जो परेशानियां हैं, वो सिर्फ मानव के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं है। हमारे वेद में कहा है आहार शुद्ध तो सत्य शुद्धि। अगर आहार शुद्ध होगा तो सब कुछ शुद्ध होगा, और अगर आहार शुद्ध नहीं हुआ तो सब कुछ गड़बड़ होगा। इसलिए आहार का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है, मांसाहार नहीं होना चाहिए। जी, चूंकि वक्त की कमी है महाराज जी, आपके पास एक अहम सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। इस समय सावन का वक्त चल रहा है, एक बड़ा विवाद सामने आया कि जो भी रेड़ियाँ लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, उनको अपनी नेम प्लेट आगे ज़रूर लिखनी होगी नाम के आगे। तो उस तरफ से विरोधियों का काउंटर ये आता है कि भाई ये कानून तो है, पहले से लागू है, लेकिन ये सावन के वक्त क्यों याद आता है? ये बड़ा विवाद का विषय बन जाता है और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया सबने देखी, इसको लेकर आपका मत जरूर। देखिए, मुझे एक बात बताइए, श्रावण में कांवड़िया गंगा जल लेकर आते हैं, और गंगा जल लाना, शिव जी पे चढ़ाना, ये धर्म है कि नहीं? धर्म है जी, सनातनियों का धर्म है। और सनातनियों का धर्म है तो धर्म की रक्षा करना, हर मनुष्य अपने धर्म की रक्षा करे, ये संवैधानिक अधिकार है जी। संविधान कहता है अपने धर्म की रक्षा करो। दूसरा, जो नाम बदलकर, रूप बदलकर, भेष बदलकर, अभी मैंने कई वीडियोस देखे हैं जिनमें एक मुसलमान, शायद सिया सुन्नी, मुझे वो कंफ्यूजन है, वो सिया शिया, हाँ, सिया और सुन्नी में आपस में ये बात कही जाती है कि एक समाज ऐसा है जो थूक कर ही कुछ न कुछ खिलाता है, पिलाता है सबको, पानी में भी थूकते हैं वो। और ये बात किसी और ने नहीं, मुस्लिम ने कही है जी, उन्होंने स्वीकारा ये बात, शिया समुदाय की ओर से कही गई ना। तो जब वो ऐसा करते हैं और उन्हीं का ढाबा हो, उन्हीं का सब कुछ हो, तो क्या होगा फिर? मतलब आप कांवड़ियों को उनका थूका हुआ खिलाने के लिए तैयार हैं, तो इसका अधिकार होना जरूरी है, हमारे धर्म की रक्षा होना जरूरी है, और हमें कांवड़ियों को पवित्र भोजन देने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये नाम प्लेट लगने से किसी का नुकसान नहीं है, क्या होगा, तुम्हारे यहाँ खाएगा, जिसको खाना होगा फिर भी खाएगा, तो इसमें बुराई तो है ही नहीं।